वर्तमान में दहेज प्रथा को त्यागने के लिए आम लोग अब समाज के सामने मिसाल पेश कर रहे हैं। एमपी के बालाघाट जिले के कुमारी गांव में 5 बर्तन शगुन में लेकर की गई शादी इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। आज के समय में एक तरफा दहेज के लिए मारामारी हो रही है तो कोई लाखों रुपए नकदी की मांग कर रहा है, वहीं एक तरफ दहेज ठुकराया जा रहा है। दो परिवारों में रिश्ते की पहली शर्त भी यही थी कि शादी में लड़की पक्ष कोई दान दहेज देने की जिद नहीं करेगा। बालाघाट अंतर्गत कुमारी गांव निवासी चौबेलाल लिल्हारे के बेटे हंसराज की शादी लारबर्रा के गांव सैलवा निवासी स्वर्गीय प्रतापलाल डेहरे की बेटी रोशनी के साथ हुई। दोनों साथ फेरे लेकर विवाह के बंधन में बंधे। इस शादी में एक विशेष बात यह रही कि शादी में किसी तरह का दान दहेज वर पक्ष की तरफ से नहीं लिया गया। हंसराज लिल्हारे आरओ रिपेयर का काम करता है। हंसराज लिल्हारे ने बताया कि जब मैं और मेरे पिता रिश्तेदार समेत अन्य लोगों के साथ जब हम लड़की से रिश्ते की बात करने गए थे तभी मैंने पहले ही शर्त रख दी थी कि मैं शादी में किसी तरह का दहेज स्वीकार नहीं करूंगा, अगर यह शर्त मंजूर हो तो ही रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। हाँ, मैं इस चीज़ से संतुष्ट हूँ क्योंकि ऐसे कई लाखों परिवार हैं जो लड़कियाँ दहेज तो ले जाती है लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं रहती कि वो खुश रह पाएगी या नहीं। लेकिन मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि मुझे नसीब से ऐसा मतलब हस्बैंड मिला है कि वो इस दहेज प्रथा का विरोध करते हैं और मैं भी सहमत हूँ इस चीज़ से और मैं बहुत खुश हूँ। क्या नाम है आपका? रोशनी। सर, मैंने ऐसे लाखों परिवार को मैंने महसूस किया कि इस चीज़ से दहेज से मतलब तकलीफ में रहते हैं। जैसे कि लड़की तो चले जाती है ससुराल लेकिन वो माँ बाप ही जानता कि किसी ने शादी कैसे किया है। वो ये एक तो कुछ बेच के या कर्जे लेकर के शादी करता है और वो कर्जे को कभी मोहल्ले में आके या किसी समाज में किसी व्यक्ति को ऐसा बता करके नहीं करता, वो उसकी तकलीफ सिर्फ फैमिली वाले ही जानते हैं। आपके मन में कैसे भाव जागृत हुआ है? मैंने कुछ ऐसे परिवार देखे थे, यहाँ तक कि मेरा का आरओ का है, मैं अर्चना इंटरप्राइजेस बालाघाट में काम करता हूँ तो मेरा डोर टू डोर का काम है। तो मैंने ऐसे कई परिवार को मैंने देखा, इस चीज़ से काफ़ी दुखी रहते थे वो। लेकिन इसको क्या है, प्रथा के रूप में कि भाई काफ़ी दिनों से चलते आ रही है तो ये सब गलत है, काफ़ी मेरा विरोध भी हुआ लेकिन मैंने ठान लिया था कि एक बार मैं करूँगा ही ऐसा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने यहाँ तक कह दिया था कि मैं कुंवारा रहने तैयार हूँ जिंदगी भर, नहीं करूँगा। शादी में आपने क्या क्या प्रतिबंध लगाए थे? ओनली सर दहेज प्रथा। दहेज प्रथा में आप पूर्णतः प्रतिबंध? जी, मेरा फोकस सिर्फ दहेज प्रथा है। दहेज में सर जैसे अमाउंट, कुछ लोगों की मानसिकता ये भी रहती कि नहीं दहेज नहीं आप पैसे ले लो, पर मेरी नज़र में सब पैसे और ये जो दहेज जो बाकी जो रहते हैं सामान वो मेरे दोनों मेरी नज़र में दहेज है। तो मैंने ना पैसे लिया हूँ ना कोई दहेज, बस वो नियम से जो 5 बर्तन देते हैं मैंने उसी को ले किया है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज में? यही कि सर इस चीज़ में सभी लोग जागरूक हैं ताकि देखो सर हर घर में लड़का लड़की रहते हैं तो आप लो भी मत दो भी मत, जो आप लड़की को देना चाहते हैं तो लड़की को ना देते हुए अपने बहू के लिए घर में ही रखें, मतलब बहू के लिए बनाए। तो ऐसे में से मेरा मानना है कि दहेज प्रथा आसानी से टूट सकती है अगर कोशिश करें तो। जैसे तो आपने, मुझे पता है सर, मेरे एक के करने से मैंने यानी इसी प्रक्रिया में मैंने देखा, मेरे एक के करने से शायद है कि समाज सुधर जाए। उसकी शादी हो रही कौन है? ये हमारा भतीजा। क्या नाम है इसका? इसका हंसराज लल्लारे। अच्छा, कहाँ गई थी बरात? बरात सेलवा गई थी। अच्छा, जिस तरीके से दहेज प्रथा मतलब दहेज के खिलाफ रहा है लड़का मतलब आपका भतीजा, तो क्या इस उसके निर्णय से आप खुश हैं? हाँ, उनके निर्णय से खुश हैं। तो क्या लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा कईयों परिवार है जो बेघर हो जाते हैं और माँ बाप जो पूरे जीवन भर में लड़की के लिए देते हैं दहेज मगर वो भी पूरा नहीं पाते, इसलिए समाज को जागरूक होना चाहिए और दहेज प्रथा बंद करना चाहिए। और हर माँ बाप के यहाँ बेटियाँ हैं और हर माँ बाप को ये सोचना चाहिए ना हम ले ना किसी को दे। बालाघाट से पंकज डहरवाल, सागर टीवी न्यूज़।